हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज के वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं तीन तीन गाड़ियां दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप पीछे के साइड में देख सकते हैं तीन आर्टिका खड़ी है। तीनों के जो मॉडल मतलब शेप अलग अलग है। पहली वाली जो गाड़ी है ये 2013 की है, सेकेंड वाली 2015 की है और थर्ड वाली जो ये इधर वाली 2016 की है। तीनों गाड़ियों की जो कंडीशन है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ और वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है। मैं आपको सिर्फ कंडीशन दिखाने वाला हूँ क्योंकि जो आर्टिका गाड़ी है उसके फीचर्स लगभग हर एक आदमी को पता रहते हैं। तो इस वीडियो में हम इस गाड़ी की सिर्फ प्राइस के बारे में और कंडीशन के बारे में बात करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जो मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग सेकेंड हैंड कार्स की वीडियो जो लाता रहता हूँ। तो चलिए अभी जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाली गाड़ी से, क्योंकि ये सबसे नीचे वाला मॉडल है, 2013 का मॉडल है और इसकी जो प्राइस है वो भी सबसे कम है। तो सबसे पहले हम यही गाड़ी देखेंगे, ये है इसकी की और अभी हम इसको अनलॉक कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं लॉकडाउन की वजह से जो गाड़ी है वो थोड़ी सी क्लीन नहीं है, इसलिए माइंड मत करना, पर जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। आप बाहर से पूरी देख सकते हैं ये गाड़ी जो है आपको काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ यहाँ पे देखने को मिलती है। आपको इसके ऊपर हार्डली कोई स्क्रैच देखने को मिलेगा। तीनों गाड़ियाँ वाइट में हैं, तीनों गाड़ियाँ आप देख सकते हैं वाइट कलर में हैं और तीनों गाड़ियाँ डीजल में है, तीनों गाड़ियाँ फर्स्ट ओनर गाड़ियाँ हैं। तो आपको ये कुछ सिमिलरिटीज़ इन गाड़ियों के अंदर मिलती है। यहाँ पे आप ऊपर में देखें तो इसके अंदर हेलोजन लैंप्स आपको मिलती है, नीचे फॉग लैंप्स हैं तो आपको इसके अंदर फॉग लैंप्स भी मिल जाती है। अगर आप इसके व्हील्स देखें तो आपको इसके अंदर अलॉयज़ मिलते हैं। ये एक टॉप मॉडल है तो इसके अंदर आपको 50 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है। और यहाँ पे साइड मिरर के अंदर आपको टर्निंग इंडिकेटर्स मिलते हैं। बाकी आप चारों ओर से इसकी एक बार कंडीशन देख लीजिए, आपको चारों ओर से इसके अंदर काफ़ी अच्छी कंडीशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप पीछे से भी देख सकते हैं और यही इसकी दूसरी साइड, तो आपको दूसरी साइड में भी काफ़ी अच्छी कंडीशन मिल जाती है। एक बार मैं आपको इसको अंदर से भी दिखा देता हूँ क्योंकि अंदर की भी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी लॉक हो गई गाड़ी, अब इसको हम फिर से अनलॉक कर लेते हैं। तो अंदर आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं। मुझे पर्सनली जो ये आर्टिका का इंटीरियर काफ़ी डिसेंट सा लगता है, काफ़ी मतलब अच्छा खासा इंटीरियर इन्होंने इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किया है। जो डैशबोर्ड है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिलता है छोटा, एक टच डिस्प्ले नहीं है आपको, सिर्फ इसके अंदर थोड़े से रेडियो के कंट्रोल्स आएंगे, नीचे एसी के कंट्रोल्स है। इसके अंदर आपको एक मैनुअल गेयरबॉक्स आने वाला है, तो ये है इसका 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स। बाकी सीट्स वगैरह आप देख सकते हैं, पूरी फैब्रिक सीट्स हैं और ऊपर भी आप पूरी कंडीशन देख सकते हैं। स्टेयरिंग व्हील आप इसका देख सकते हैं, जो कंडीशन है वो आपको काफ़ी अच्छी इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। आप एक बार पीछे की भी इसकी कंडीशन देख लीजिए। जैसे कि एक 7-seater गाड़ी है तो आपको रेयर साइड में भी 2 seats मिलती है, बीच में भी 3 seats मिलती है और आगे भी 2 seats मिलती है, तो काफ़ी अच्छी आपको इसके अंदर स्पेस मिल जाती है। बाकी अगर मैं और एक अच्छे फीचर के बारे में बात करूँ तो ऊपर के साइड में आपको एक बड़ा सा AC का डक मिलता है जो कि पीछे के पैसेंजर्स को ठंडी ठंडी हवा देता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो अभी मैं आपको इस गाड़ी की थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ। तो ये थी सुजुकी आर्टिका की पूरी कंडीशन। ये जो है एक 2013 का मॉडल है, डीजल गाड़ी है और फर्स्ट ओनर गाड़ी है। 92,000 किलोमीटर जो ये गाड़ी चली हुई है और मतलब इसका इंजन जो है वो काफ़ी अच्छा है। 92,000 किलोमीटर चल के भी अभी भी काफ़ी अच्छी चलती है ये गाड़ी, कोई भी आवाज़ नहीं करती है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपको इसका जो इंजन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो कोट की है 7,11,000, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो आप नासिक के अनमोल ऑटो स्टोर में आके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसके अंदर थोड़ी सी प्राइस जो है वो कम ज़्यादा भी करते आएगी। और अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली गाड़ी की तरफ, जो कि है 2015 की सुजुकी की आर्टिका। तो ये थोड़ा सा ऊपर वाला शेप है और ये जो मॉडल है एक बेस मॉडल है, तो इसके अंदर आपको अलॉयज़ नहीं आने वाले, तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। बाकी आप गाड़ी की पूरी एक बार लुक देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ये भी थोड़ी सी धूल मिट्टी लगी हुई है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इसकी भी क्लीनिंग नहीं हुई है, अभी तक जो वर्कर्स है वो नहीं आ रहे हैं। इसके आप अलॉयज़ देख सकते हैं, सॉरी अलॉयज़ नहीं है, इसके आप स्टील व्हील्स देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको एक प्लेट मिलती है। एंड देन ये भी एक डीजल मॉडल है, तो आप इसकी भी चारों ओर से एक बार कंडीशन देख लीजिए, आपको इसके ऊपर भी कोई हार्डली कोई स्क्रैच देखने को मिलेगा। एक बार आप इसको पीछे से भी देख लीजिए, ये यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, आपको कोई भी मतलब यहाँ पे हार्डली कोई स्क्रैच देखने को मिलेगा। बाकी दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरी साइड से भी काफ़ी अच्छी कंडीशन है
और अभी इसको भी मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। इसका भी इंटीरियर आपको सेम मिलने वाला है, बस इसके ऊपर आफ्टर मार्केट थोड़े से सीट कवर्स लगाए हुए हैं। सो सीट कवर्स आपको थोड़े अलग मिलते हैं, आप यहाँ पे सीट कवर्स देख सकते हैं, क्रीम एंड ब्लैक कलर के आफ्टर मार्केट सीट कवर्स है। और जैसे कि एक बेस मॉडल है तो यहाँ पे आपको कोई भी स्क्रीन देखने को नहीं मिलती है, बाकी कंडीशन आप पूरी ही देख सकते हैं, कंडीशन आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ पे एक बार आप पीछे की भी कंडीशन देख लीजिए, ये भी एक 7 सीटर गाड़ी है, तो यहाँ पे आपको पीछे 2 सीट्स मिलती है, ऊपर आपको सेम यहाँ पे एसी वेंट्स मिलते हैं ऊपर के साइड में। तो मुझे ये पर्सनली जो फीचर है एसी वेंट्स का, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी अच्छी जो ब्लोअर की स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। और अभी हम इस गाड़ी की भी प्राइस के बारे में बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं इस आर्टिगा की डिटेल्स के बारे में। तो ये वाला जो मॉडल है 2015 का मॉडल है, और ये भी एक फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ये भी एक डीजल गाड़ी है, ये भी एक मैनुअल गाड़ी है, आपको सेम स्पेसिफिकेशन के साथ ये गाड़ी देखने को मिलने वाली है। बस ये वाला जो मॉडल है थोड़ा सा नीचे वाला मॉडल है, तो इसके अंदर आपको अलॉयज नहीं मिलेंगे। सो अगर मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये गाड़ी यहाँ पे 7,75,000 में अवेलेबल है, और ये भी एक नेगोशिएबल प्राइस है। अगर आपको ये भी गाड़ी पसंद आती है तो आप इसके प्राइस में भी नेगोशिएट कर सकते हैं, आप प्राइस कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप ऐसा ना सोचे कि हमारे थोड़े से बजट के बाहर ये गाड़ियाँ, मैंने हर बजट की आपको गाड़ी दिखाई यहाँ पे, और भी आगे की भी गाड़ी दिखाने वाला हूँ उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि वो 2016 का मॉडल है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आपको एक आर्टिका लेनी है तो आप यहाँ पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, आप यहाँ पे ज़रूर आके विजिट करें, आपको अच्छा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छी आपको जो वो नेगोशिएशन आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली कार की तरफ जो कि है 2016 का मॉडल। तो इसका भी अगर आप शेप देख लीजिए, ये थोड़ा सा ऊपर वाला शेप है, तो यहाँ पे आपको सामने भी एक क्रोम की ग्रिल मिलती है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसकी जो लुक्स है वो थोड़ी आपको दोनों कार से ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, और इसके अंदर भी आपको सेम हेलोजन हेडलैम्प्स आती है, बाकी की जो लुक्स है वो आपको सेम ही देखने को मिलेगी। बाकी नीचे एक फॉग लैम्प भी है, और इसके अंदर भी आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा नीचे वाला मॉडल है। यहाँ पे आपको DDIS की बैजिंग मिलेगी क्योंकि ये भी एक डीजल मॉडल है। सो कंडीशन आप चारों ओर से इसकी भी देख लीजिए, आपको इसके ऊपर भी हार्डली कोई स्क्रैच मिलेगा। दूसरी साइड से भी एक बार आप इसको देख लीजिए, और अभी हम बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। इसका मुझे इंटीरियर पर्सनली ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि जो इंटीरियर की कंडीशन है वो इसके अंदर काफ़ी आपको अच्छी देखने को मिलती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीरियर पूरा ही बेज कलर का इंटीरियर है, डैशबोर्ड आपको डिसेंट सी लुक के साथ देखने को मिलता है, बाकी आप यहाँ पे पूरा ही ये देख सकते हैं, आपको सेम फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर भी। 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स है, और ये है इसकी रेयर साइड, ये भी एक 7-seater गाड़ी है। यहाँ पे पीछे के साइड में 2 सीट्स, बीच में 3 सीट और आगे 2 सीट, इसके अंदर आपको ऊपर ब्लोअर्स भी मिल जाते हैं सेम। सो तीनों गाड़ियों की आप कंडीशन देख चुके हैं, आपको काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ ये तीनों गाड़ियाँ यहाँ पे मिलने वाली है। अभी हम इस गाड़ी की भी प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो हमने लास्ट वाली आर्टिका भी देख ली है, इसकी भी हमने कंडीशन देख ली है। ये जो है ये 2016 का मॉडल है और फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ये गाड़ी जो है ये 80,000 किलोमीटर चली हुई है। ये जो साइड वाली गाड़ी थी इसका भी मैं आपको बोलना भूल गया, ये भी 80,000 किलोमीटर चली हुई है। और अगर हम इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो है 8,40,000 रुपीज़, और ये भी एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है अगर आपको ये भी गाड़ी पसंद आती है, क्योंकि ये थोड़ा सा नया मॉडल है तो ज़रूर आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको ये भी गाड़ी पसंद आती है तो आप यहाँ पे आके ज़रूर विजिट करें। और इतना ही नहीं, अगर आपको इन तीनों कार्स में से कोई सी भी गाड़ी पसंद आती है तो आप नासिक के अनमोल ऑटो स्टोर में आके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन का ऑप्शन मिल जाता है। तीनों कार्स के अंदर जो वो नेगोशिएशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अगर आपको एक आर्टिका लेनी है तो आप इनमें से कोई से भी चूज़ कर सकते हैं, आप इनको जो वो बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको इन तीनों कार्स में से कोई सी भी गाड़ी पसंद आती है तो आप नासिक के अनमोल ऑटो स्टोर में आके विजिट कर सकते हैं, जो कि है नासिक के कॉलेज रोड के बैक साइड में, या अगर आप नासिक के बाहर से हो यहाँ पे आपको आना पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उसके ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट करके इन गाड़ियों की जो आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, और उसके जो साइड में बेल आइकॉन है इसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग सेकेंड हैंड कार्स की वीडियो जो है वो लाते रहता हूँ। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाले ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।